दोस्तों कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपने नोटिस किया होगा मैं बोलते बोलते हाँफने लग जाती हूँ, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ है। मेरा एक समय था, कब की बात है, 2012 के आस नहीं हाँ 2012 के आसपास की बात है। तब मैं दिल्ली में रहती थी और उस समय मेरा हीमोग्लोबिन 6 था, जो कि नॉर्मली इंसान का होना चाहिए 12, 12, 12.5 इस टाइप से होना चाहिए। तो मेरा 6 था, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। और मैं चलती थी, चलते चलते थक जाती थी, मतलब थोड़ी सी दूर चलूँगी, मतलब 100 मीटर की दूरी पे चलने में ही मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, ऐसे कि मैं बहुत कई किलोमीटर दौड़ के आई हूँ। तो अभी भी कुछ वैसा ही है, लेकिन 6 नहीं है अभी मेरा हीमोग्लोबिन है 9.4। और ये इसलिए है क्योंकि मेरी बॉडी आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। पहले भी जो केस हुआ था, जो मेरा 6 हो गया था, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, मेरी बॉडी आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी उस समय पे, तो इसलिए मेरा उतना हो गया था। और अभी भी नहीं हो रही है, तो मेरी 9.4 हो गया है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, बहुत ज़्यादा मैं हाँफने लग जाती हूँ वॉक करने पे या कुछ काम करने पे, बोलने पे थक जाती हूँ मैं, वैसे ही मुझे ब्रेथलेस हो जाती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, तो इसीलिए थोड़ा मेरा मूड भी ऑफ था ना, मेरा कहीं ज़्यादा कुछ वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं बना भी नहीं रही थी। आप देख रहे होंगे कि अभी बीच में मैंने वीडियो डालने कम कर दिए, जो पुराने बने हुए हैं वही डाल रही थी, अभी कुछ नया नहीं बना रही थी। तो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता देती हूँ, आयरन की कमी अगर आपकी बॉडी में होती है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपका हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, तो आपकी सांस फूलने लगेगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका सर घूमने लगेगा, डिजीनेस लगेगा, कहीं आप बहुत सारे लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपकी स्किन येलोइश हो जाएगी, और पता चलेगा आपको कि हाँ कुछ तो डिफरेंस आया है आपकी बॉडी में, जो डेली के काम होते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, आप हाँफने लग जाएंगे, बोलने में, चलने में, कुछ करने में, छोटे मोटे काम करने में हाँफने लग जाएंगे। तो इसको एक कंडीशन भी बोलते हैं, एनीमिया, आपने सुना होगा, खून की कमी यानी कि एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से ये चीज़ होती है। धीमे 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 चीज़ें पता चलती हैं, जब आपको चीज़ें होती है तब पता चलती है। जैसे मुझे पहले जॉइंटिस हुआ था, तो मुझे अब जॉइंटिस के बारे में जानकारी है 3 बार मैं जॉइंटिस से गुजर चुकी हूँ पहले, तो इसलिए मुझे पूरी जानकारी है जॉइंटिस के बारे में। और पहले ही मैं डिटेक्ट कर लेती हूँ अपने अंदर कि हाँ जॉइंटिस हो गया है, अभी तो टचवुड नहीं हुआ है। और खैर, तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज होगी आई एम श्योर, लेकिन जिनको नहीं है नॉलेज, जैसे कि मुझे भी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी कि हाँ हीमोग्लोबिन मेरा कम हो गया है, क्यों कम हो गया है ये भी नहीं मालूम था, पहले भी नहीं मालूम था, लेकिन अब की बार जब मैंने डॉक्टर को दिखाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं एक बार हॉस्पिटल भी भागी थी, मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो मैंने एप्पल वॉच वाला वीडियो बनाया था तो उसमें ऐसा दिखा रहा था कि हार्ट अटैक के साइन है, ये सब चीज़ें भी होने लगी थी, बट कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। एनीवेज तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। खैर, काफ़ी दिनों से मैं YouTube पे मेहनत कर रही थी, दिनों क्या सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ YouTube पर, और आप लोगों को मालूम ही है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अब जाके मेरी दूसरी पेमेंट बनी है, और जो बेसिक वो होता है वो कंप्लीट हो गया है, तो मैं थोड़ा सा खुश थी कि चलो बेसिक कंप्लीट हो गया। हालांकि मैं उसको निकालने नहीं वाली हूँ, ये रहता है कि बेसिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप जितना भी करो उतना आप निकाल सकते हो यूट्यूब से, तो फ़िलहाल मैं नहीं निकाल रही हूँ, मैंने सोचा बाद में निकालूँगी, अभी कोई नहीं है, अभी तो और काम करते रहेंगे,
तो इसलिए हर रोज़ मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं बनाऊँ तो बेवकूफ़ी है क्योंकि ये काम की तरह है। और बाकी मैं अपने चैनल को ऑब्वियसली रोकना नहीं चाहती हूँ कि हाँ कहीं घूमने जाऊँगी तभी वीडियो बनाऊँगी तभी वो अच्छा रहेगा, बहुत व्यूज़ आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि कहीं घूम घूम के भी मैंने बनाए हैं वीडियोस बहुत सारे, मैंने कितने अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए हैं, कश्मीर पे बनाया है, शिमला मनाली पे बनाया है, थाईलैंड पे बनाया है, उन पे इतना दूर जा के भी इतना एफर्ट डाल के भी, मतलब आप जब कहीं घूमने जाते हो उस बीच में आप कहीं जा रहे हो, उस बीच में आप अपना कैमरा ऑन कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो उस व्यू को इन्जॉय करने के बजाय, और खाना खा रहे हो उससे पहले रिकॉर्ड कर रहे हो कि हाँ देखो क्या है, वीडियो बनाने के लिए तो उसमें एफर्ट तो जाता है और टाइम तो जाता ही है। और बाकी जो आपके आसपास के लोग होते हैं उन्हें भी लगता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है, रिलैक्स करो। लेकिन हाँ, तो जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं वो जानते हैं ये बात कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है YouTube पे डेली वीडियो बनाने में, या फिर कहीं आप जाते हो ट्रैवल वीडियोस बनाने में, वीडियो बनाना पहले तो जाना, फिर डिसाइड करना कि हाँ यहाँ पे क्या है, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, और उसके बाद फिर उस पर बताना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग में भी समय लगता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैग होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और थंबनेल होता है, थंबनेल अच्छा नहीं है तो कितना भी अच्छा वीडियो बनाया हो बकवास हो जाता है, ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो बस कुछ दिन हो गए मेरा बेसिक टारगेट कंप्लीट हुए, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी ढीली पड़ गई, एक वो था ना कि हाँ मुझे पहले ये कंप्लीट कर लेना है, जल्दी से कर लेना है, और जैसे ही हो गया फिर मैंने सोचा कि अब छोड़ो, अब धीमे धीमे होता रहेगा, तो वो चीज़ गलत है, डेली करना ज़रूरी है। अगर जिसका चैनल मोनेटाइज है वो अपलोड नहीं कर रहा तो बेवकूफ़ी है, इट्स लाइक वर्क। अगर आपके पास 50 काम है तो फिर छोड़िए ये, अगर आपके पास 50 काम नहीं है तो फिर आई थिंक बहुत अच्छा है ये यूट्यूब। तो जो भी लोगों को लगता है कि मैं डेली बाहर खा रही हूँ, वो आज की वीडियो नहीं है, वो काफ़ी पहले की वीडियो बना रखी है, फिर अगर मेरे पास ज़्यादा वीडियो नहीं होती उसको जोड़ के फिर मैं एक वीडियो बनाती हूँ, तो लोगों को लगता है डेली खा रही है, डेली बाहर खाती है, जबकि डेली मैं घर पर खाना बनाती हूँ। डेली मैं घर पर खाना बनाती हूँ, इस घर में बहुत रेयरली हुआ है कि मैंने खाना मंगवाया हो, बहुत रेयरली, गिनती से मेरे ख्याल से 3 या 4 बार खाना बाहर से आया होगा, अदरवाइज़ खाना बनता है। और बाहर जाना जब भी, ऐसा नहीं है कि मैं हर वीकेंड पे बाहर जाके खाना खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहीं बनाती हूँ खाना। तो खैर अभी वही है, डॉक्टर ने दवाइयाँ वाइए बताई हैं वो सब ली जा रही है, ठीक हो गया तो ठीक है, वरना फिर कुछ और किया जाएगा डॉक्टर ने कहा है, देखते हैं। अभी मैं मिलूँगी 4 कितनी तारीख को, 5-5 तारीख को शायद, 3 से 5 के बीच में बोला है उसने मिलने को, और फिर मेरा वापस से ब्लड टेस्ट होगा और देखा जाएगा कि मेरा हीमोग्लोबिन इम्प्रूव हुआ है कि नहीं इतने दिनों में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस बात को, मेरे ख्याल से हो गए होंगे 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया है जब से मुझे पता चला है। तो खैर अब यही है, मेरा कुछ वैसा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं बना ही नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं बना रही हूँ, मैं मन नहीं कर रहा था कि किसी से बात करो, घर पे तो लोग ही नहीं हैं। तो खैर कभी कभार मेरी बहन से बात हो जाती है, बाकी और वही है कि पेरेंट्स के जाने के बाद किससे बात करोगे, दोस्त अगर आपके ज़्यादा नहीं है, मेरी एक दोस्त है निक्की, आप लोग देख चुके हैं वीडियो को, तो उसी से बात करती हूँ, अगर उससे बात करती हूँ तो, या फिर मेरी बहन से, अदरवाइज़ भी ज़्यादा किसी से बात नहीं होती है, या और भी कुछ लोग हैं जिससे मैं कभी कभार मिलती हूँ 10-15 दिन में 20 दिन में, कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है, तो जब मुलाकात होती है तो बात होती है। तो खैर इस
इसीलिए फिर मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ और वीडियो बना के डालती हूँ, जो लग रहा है वही बना के डालूँ। और बाकी अगर आपने मेरे ट्रैवल वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों के मैंने बनाए हैं। मैंने अभी जैसे बताया था कश्मीर, मनाली, शिमला और बाकी दिल्ली के बनाए हैं, थाईलैंड के बनाए हैं, ऋषिकेश और वही उत्तराखंड के, बाकी हिमाचल के बनाए हैं और भी। तो खैर आप जाके चेक कर सकते हैं। फ़ोन देख रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है कि कुछ कर लूँ फ़ोन पे, मेरा मन कर रहा है फ़ोन को साइड में रख दूँ, एक साइड कर दूँ। शॉर्ट्स बनाने जाती हूँ फिर मेरे को लगता है क्या बनाऊँ, बनाने लगती हूँ फिर बीच में आधे में छोड़ देती हूँ, आधे में छोड़ दे रही हूँ। और ऐसा कई दिनों से हो रहा है। पहले मैं बहुत सारे शॉर्ट्स डालती थी ना, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी व्यूज़ भी आते थे, अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी, ना यूट्यूब पे डालने मन कर रहा है, ना इंस्टाग्राम पे डालने मन, इंस्टाग्राम पे तो समझ में ही नहीं आता मेरे को क्या डालूं। और कुछ सजेशन हो तो बताइए, मैं तो कुछ समझ नहीं आता है। एनीवेज चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके बाय, लव यू ऑल।